नाजरीन तलबा व तालिबात, मानू की इस तालमी नशिस्त में मैं डॉक्टर सुभाष आल्हा आपका खैर मकदम करता हूँ। आज की इस तालमी नशिस्त में हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस से बनाए गए हैं, जिन्हें इस तरह से डिफाइन करते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई ताकत एक्स माइनस ई ताकत माइनस एक्स बटे दो। कोस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई ताकत एक्स प्लस ई ताकत माइनस एक्स बटे दो। इसी तरह टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स बटे कोस हाइपरबोलिक एक्स। और हम देखते हैं कोट हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स और कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। ये टेन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स के रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। अब हम साइन हाइपरबोलिक एक्स को लेते हैं। ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई ताकत एक्स माइनस ई ताकत माइनस एक्स बटे दो। अब इसकी कीमत हम जीरो पे निकालना चाहते हैं, तो साइन हाइपरबोलिक जीरो हमारा होगा ई ताकत जीरो माइनस ई ताकत जीरो बटे दो, और ये है एक माइनस एक बटे दो और मुझे मिला जीरो। फिर जैसे जैसे एक्स बढ़ता है तो साइन हाइपरबोलिक एक्स एक्स के बढ़ने से खुद बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो हम ये देख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स एक्स के बढ़ने से, या एक्स जब इन्फिनिटी जाता है तो ये एक बटे दो ई की ताकत एक्स के नज़दीक जाएगा और ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इसी तरह हम इसकी दूसरी चिम चलें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स जब एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तब साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस एक बटे दो ई की ताकत माइनस एक्स की तरफ जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो इससे हम इसकी एक तस्वीर बना सकते हैं जो इस तरह से है। इसी तरह हाइपरबोलिक कोसाइन को लें। कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई ताकत एक्स प्लस ई ताकत माइनस एक्स बटे दो। अब इसकी भी कीमत हम एक्स पे जीरो, एक्स बराबर जीरो पे निकालें तो ये होगी कॉस हाइपरबोलिक जीरो बराबर ई ताकत जीरो प्लस ई ताकत जीरो बटे दो, और ये मिला मुझे एक प्लस एक बटे दो और ये मिला एक। तो हम ये कह सकते हैं कोस हाइपरबोलिक जीरो एक के बराबर है। अब जैसे जैसे एक्स बढ़ता है तो कोस हाइपरबोलिक एक्स भी बढ़ता है, और हम ये कहें कि जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो कोस हाइपरबोलिक एक्स ई ताकत एक्स बटे दो की तरफ जाएगा और ये फिर इन्फिनिटी की तरफ जाता है। और हम लिखें कॉस हाइपरबोलिक एक्स जब एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स ई ताकत माइनस एक्स बटे दो के नज़दीक जाएगा और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इससे हमें कॉस हाइपरबोलिक एक्स की एक तस्वीर मिलती है, और ये तस्वीर कुछ इस तरह से है। साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स के अलावा हम अब टेन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ बनाना चाहेंगे। हमें मालूम है टेन हाइपरबोलिक एक्स बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स बटे कोस हाइपरबोलिक एक्स। इसकी कीमत हम जीरो पे निकालें तो हमें मिलता है
साइन हाइपरबोलिक जीरो बटे कोस हाइपरबोलिक जीरो, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो के बराबर है तो टेन हाइपरबोलिक हमें मिला जीरो। अब जैसे जैसे एक्स बढ़ता है तो हम देखते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक तकरीबन बराबर हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं टेन हाइपरबोलिक एक्स, जब एक्स इन्फिनिटी होगा तो साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक तकरीबन बराबर हो जाएंगे, तो ये एक मिलेगा। इसी तरह हम दूसरी सिम चलें तो टेन हाइपरबोलिक एक्स, जब एक्स माइनस इन्फिनिटी तरफ जाएगा तो ये माइनस एक के नज़दीक पहुंचेगा। इसकी जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह से बनती है। इसी तरह से हम दीगर हाइपरबोलिक फंक्शंस के ग्राफ भी आसानी से बना सकते हैं। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज है उसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज भी है। ये आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज के जैसी ही है, बस फर्क प्लस और माइनस साइन का है। ये बड़ी आसानी के साथ साबित की जा सकती है। मिसाल के तौर पे हम पहली आइडेंटिटी लेते हैं जो है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स की, तो ये होगी ई पार एक्स प्लस ई पार माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू होल स्क्वायर माइनस ई पार एक्स माइनस ई पार माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू एंड होल स्क्वायर। अब मैं ऊपर वाले का स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा ई पार 2x प्लस ई पार माइनस 2x प्लस 2 माइनस, अब मैं स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा ई पार 2x प्लस ई पार माइनस 2x और माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां देख सकते हैं ई पार 2x, ई पार 2x कैंसिल हो जाएगा, ई पार माइनस 2x, ई पार माइनस ऐसे 2x कैंसिल हो जाएगा और दो दो में जुड़ जाएगा, तो ये मुझे मिला एक। तो ये है हमारी पहली आइडेंटिटी। इसी तरह से हम दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। अगर पहली आइडेंटिटी को कोस हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक x से डिवाइड करें तो हमें दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी मिलती है। चौथी और पाँचवीं आइडेंटिटी उसी तरह से हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होती हैं, इन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब लास्ट की दो आइडेंटिटीज जो है वो भी हम तीसरी और चौथी आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक एक्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे, तो मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक से डेफिनेशन लिखूँ मैं तो ये मुझे मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पार एक्स माइनस ई पार माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे मिलता है ई पार एक्स और ये माइनस यहाँ आ जाता है तो ये प्लस बन जाएगा ई पार माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। और यदि हम इसको देखें तो ये हमारे पास में है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन लिखें तो ये मिलता है d by dx e ताकत x प्लस e ताकत माइनस x बटे दो, और
ये बन जाता है e ताकत x, और ये माइनस यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस e पार माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और ये फिर बन गया हमारा साइन हाइपरबोलिक x। अब हम आते हैं टेन पे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन हाइपरबोलिक x ये होगा तो d बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक x, ये होता है d बाई डी एक्स। टेन हाइपरबोलिक x को हम यूं लिखते हैं, साइन हाइपरबोलिक x बटे कॉस हाइपरबोलिक x। अब इसमें हम u बाई वी का फॉर्मूला काम में लें तो हमें यहाँ मिलता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब हम कॉस को ऐसा कैसा लिखें और साइन हाइपरबोलिक x को डिफ्रेंशिएट कर दें, फिर माइनस साइन हाइपरबोलिक को ऐसा कैसा लिखें और कॉस हाइपरबोलिक x को डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें मिलता है, चुनांचे हम साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक से डेरिवेटिव निकाल चुके हैं इसलिए ये बनेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब हमने एक आइडेंटिटी इससे पहले देखी कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x एक के बराबर है तो ये हो जाएगा एक बट्टे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और हम जानते हैं कि ये बनेगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इसी तरह हम दीगर हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी इतनी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये सारे नताइज मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि कोट हाइपरबोलिक x, सेक हाइपरबोलिक x और कोसेक हाइपरबोलिक x के डेरिवेटिव निकालें तो इनके रिजल्ट हमारे सामने नेगेटिव के साथ आते हैं, और ऊपर वाले जो तीन हैं इनके पॉजिटिव के साथ आएंगे। हमने देखा कि साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन कोस हाइपरबोलिक x होता है, तो अगर हम कोस हाइपरबोलिक x को इंटीग्रेट करें तो हमें साइन हाइपरबोलिक x मिलना चाहिए, और इसी तरह हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन से कुछ नतीजे निकाल सकते हैं जिन्हें हम यहाँ देखते हैं कि कोस हाइपरबोलिक x को इंटीग्रेट करें तो हमें साइन हाइपरबोलिक x मिलता है, साइन हाइपरबोलिक इंटीग्रेट करें तो हमें कोस हाइपरबोलिक x मिलता है, और इसी तरह से बाकी नतीजे हमारे सामने हैं। अब अगर y बराबर साइन हाइपरबोलिक x है तो हमें ये जानना है कि x क्या है y के हवाले से, तो साइन हाइपरबोलिक x को मैं यूँ लिखूँ e ताकत x माइनस e ताकत माइनस x बटे 2, और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2y बराबर e ताकत x माइनस e ताकत माइनस x। अब मैं यहाँ e ताकत x को u लेता हूँ तो ये बन जाता है 2y बराबर u माइनस 1 बटा u। अब इसको थोड़ा इसको u से मल्टीप्लाई करें और थोड़ा सा हल करें तो हमें मिलता है u स्क्वायर माइनस 2yu माइनस 1 बराबर 0। अब हम जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो हल होंगे, और ये हल कुछ इस तरह से हैं u बराबर 2y प्लस माइनस अंडर रूट 4y स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 को कॉमन लिया जा सकता है और कैंसिल किया जा सकता है, तो
तो हमें u मिल जाता है, u इज इक्वल्स टू y प्लस माइनस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 1। अब हमने देखा कि u क्या है, हम जानते हैं, हमने लिखा u है हमारा e ताकत x जो कि 0 से बड़ा होता है, और दूसरा हम देखें y स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर से बड़ा है। तो हम इन दोनों से एक नतीजा ये निकाल सकते हैं कि e ताकत x y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, या हमने माइनस साइन को छोड़ दिया। अब हम इसका लॉग लें तो हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू log y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y। तो इस तरह मुझे साइन का इनवर्स फंक्शन मिला। तो ये है हमारे सवाल का जवाब। इसी तरह अब y को cos हाइपरबोलिक x लें तो ये होता है e ताकत x प्लस e ताकत माइनस x बटे 2। इसको फिर से हम यूं लिख सकते हैं 2y बराबर e ताकत x प्लस e ताकत माइनस x। अब e ताकत x को हम u लें तो हमें मिलता है 2y बराबर u प्लस 1 बटे u। अब इस इक्वेशन को हम u से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 2yu प्लस 1 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो हल होंगे, और ये हल है u बराबर 2y प्लस माइनस रूट 4y स्क्वायर माइनस 4 बटे 2। और इसको हम थोड़ा हल करें तो हमें मिलेगा y प्लस माइनस अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 1। अब चुनांचे यहाँ y स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y यहाँ 1 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा हम देखते हैं कि u हमने लिया e ताकत x जो कि 0 से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि u बराबर होगा y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 1 के। और यहाँ u e ताकत x है तो इसको लिखें तो ये बन जाएगा e ताकत x बराबर y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 1। अब इसका लॉग ले तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू log y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 1, और ये है हमारा cos हाइपरबोलिक इनवर्स y। इसी तरह हम tan हाइपरबोलिक x का इनवर्स भी निकालना चाहेंगे। तो हमने माना y बराबर है tan हाइपरबोलिक x, तो इसको हम यूँ लिखें e ताकत x माइनस e ताकत माइनस x बटे e ताकत x प्लस e ताकत माइनस x। और इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा y e ताकत x प्लस y e ताकत माइनस x माइनस e ताकत x, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और e ताकत माइनस x बराबर 0। अब मैं इसको और इस टर्म को एक साथ ले लूँ
और इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लूँ तो मुझे मिलेगा y माइनस वन ई ताकत x प्लस ई ताकत माइनस x y प्लस वन बराबर जीरो। अब मैं इस इक्वेशन को ई ताकत x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा y माइनस वन ई पार टू एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब मैं इस इन दोनों टर्म्स को हमारी दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो मुझे मिलता है ई पार टू एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब हम इसका लॉग लें तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, और इस 2 को मैं इधर लाऊं तो x बन जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, और यही है tan हाइपरबोलिक इनवर्स y। तो इस तरह से हमारे सामने हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शंस के कुछ नतायज मिले। तो ये सारे नतायज हमारे सामने हैं, बाकी दीगर नतायज भी हम इसी तरह आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम एक इंटीग्रल की मिसाल लेते हैं। इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हम इसे हल करना चाहेंगे। इसे हल करने के लिए हम x को साइन हाइपरबोलिक y लें और इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो मिलेगा dx एक्स इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक y dy। अब मैं x को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे मिलता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस x को मैं लिख दूँ साइन हाइपरबोलिक y, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, और dx हमारा है cos हाइपरबोलिक y dy। अब हम ये जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x एक के बराबर होता है, तो इसे हम इधर लेके जाएं तो हमें ये वाला मिल जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और ये रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो हमें मिल जाएगा cos हाइपरबोलिक y बटे cos हाइपरबोलिक y dy। अब फिर से ये cos और cos आपका कैंसिल हो गया तो मुझे मिला इंटीग्रल dy, और dy को इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा y। यहाँ से देखें हम तो y हो जाएगा हमारा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो यहाँ से हम एक नतीजा ये निकाल सकते हैं कि अगर d by dx साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं कुछ नतायज आपके सामने रख रहा हूँ जिन्हें हरगिज याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसे हम कुछ इंटीग्रल आसानी से हल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस, उनकी आइडेंटिटीज़, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल के बारे में मालूमात हासिल की। मज़ीद तफसील के लिए आप इस पते पर हमसे राबता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष आल्हा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद 500032। आप हमें इस पते पर मेल भी कर सकते हैं subhasalha@manuu.ac.in। अगले लेक्चर में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आदाब।